हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्निंग साइंस आज हम नेचुरल रबर के बारे में पढ़ेंगे और नेचुरल रबर को जो है पॉलीआइसोप्रीन भी कहा जाता है पॉलीआइसोप्रीन पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन इज़ द प्राइमरी केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल रबर पॉलीआइसोप्रीन जो कि आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है वो नेचुरल रबर में सबसे ज़्यादा क्वान्टिटी में पाया जाता है दस आइसोप्रीन इज अ मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर तो जो आइसोप्रीन है वो नेचुरल रबर का मोनोमर है तो आइसोप्रीन जो है वो मोनोमर है नेचुरल रबर का पॉली आइसोप्रीन का नेचुरल रबर इज़ सॉफ्ट एंड स्टिकी जो नेचुरल रबर होता है वो सॉफ्ट होता है यानी कि मुलायम होता है और स्टिकी होता है चिपचिपा होता है इट हैज़ इलास्टिसिटी और ये जो है इलास्टिसिटी दिखाता है यानी कि जब हम इस रबर को स्ट्रेच करेंगे फिर छोड़ देंगे तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा इट कैन बी यूज़ ओवर ए नेरो रेंज ऑफ़ टेम्परेचर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस जो नेचुर रबर है वो हम 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 60 डिग्री सेल्सियस तक यूज़ कर सकते हैं इस नेरो रेंज ऑफ़ टेम्परेचर में यूज़ कर सकते हैं नेचुर रबर आर सेंसिटिव टू हीट जो नेचुर रबर है वो हीट के साथ रिएक्ट करता है नेचर रबर आर इजीली ऑक्सीडाइज बाय एयर जो नेचर रबर्स है उसका ऑक्सीडेशन भी होता है इट इज़ इन इन वाटर जो नेचर रबर है वो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता इट इज़ सल्यूबल इन सॉल्वेंट्स लाइक ईथर कार्बन टेट्राक्लोराइड पेट्रोल एक्सेट्रा लेकिन सॉल्वेंट्स जैसे कि ईथर है कार्बन टेट्राक्लोराइड है या पेट्रोल है उन सारी चीज़ों में जो नेचुरल रबर है वो सल्यूबल होता है नेचुर रबर्स आर यूज़ टू मेक रबर बैंड्स जो नेचुरल रबर है वो रबर बैंड्स बनाने में यूज़ होता है दे आर आल्सो यूज़ टू मेक शू सोल्स एंड रबर ट्यूब्स शू सोल्स और रबर के ट्यूब्स बनाने में नेचुरल रबर का यूज़ होता है दे आर यूज़ टू मेक ग्लव्स इरेजर्स मैट्स एक्सेट्रा और नेचुरल रबर जो है ग्लव्स बनाने में इरेजर्स बनाने में और मैट्स बनाने में यूज़ होता है यहाँ पे यूजेस ऑफ नेचुरल रबर दिया है नेचर रबर जो है शू सोल्स बनाने में यूज़ होता है रबर बैंड्स बनाने में यूज़ होता है इरेजर्स बनाने में यूज़ होता है रबर ट्यूब्स बनाने में यूज़ होता है और मैट्स, डोर मैट्स और बाकी के जो कार्बेट है उसको बनाने में भी नेचर रबर्स का यूज़ होता है और ग्लव्स बनाने में नेचर रबर का यूज़ होता है